वर्दी का वीडियो हुआ वायरल। बुजुर्ग हाइपर कर्मचारी के साथ कर रहे मारपीट। लेखा अधिकारी की गुंडा वर्दी का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद। मध्य प्रदेश के छतरपुर शहर में मानवता को शर्मसार करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें लेखा अधिकारी आनंद दयाल बुजुर्ग कर्मचारी के साथ बेरहमी से मारपीट कर रहे हैं। एक बार पहले भी लेखा अधिकारी आनंद दयाल बुजुर्ग से मारपीट की घटना को अंजाम दे चुके हैं, जिसकी शिकायत बुजुर्ग ने पहले भी की थी, लेकिन शिकायत करने के बावजूद भी अधिकारियों ने कार्यवाही नहीं की, जिससे इस अधिकारी के हौसले बुलंद थे। वहीं जहां ऑफिस के कर्मचारी तमाशबीन बनकर बुजुर्ग की मारपीट देखते रहे, किसी भी कर्मचारी को बुजुर्ग पर रहम नहीं आया। क्या इन ऑफिस कर्मचारियों की मानवता मर गई थी? जिम्मेदार अधिकारी ऐसे अधिकारियों पर कार्यवाही करेंगे जिससे बुजुर्ग को न्याय और सम्मान मिल सके। प्रसाद प्रजापति, पीएचई में मैं हेल्पर के पद पर पदस्थ हूँ, डिवीजन में मेरे साथ में ये हुआ कि मैं फाइल रखने के लिए गया, तो जैसे ही मैंने टेबल पे फाइल रखी वो मेरे ऊपर उठकर आक्रमण कर दिया, तो मैं वहाँ से छूटा, जैसा ही भगा तो यहाँ मुझे पकड़ लिया और पकड़ के इतना मारा थर के किसने मारपीट की है? आनंद दयाल जी से। क्या नाम है? आनंद दयाल जी। किस पद पर संभागी लेखा पाल के पे किस तरह से परेशान करते हैं सर? इतना परेशान कर रहे हैं सर कि मैं एक बात है, नौकरी नहीं कर पा रहा हूँ। वो कहते कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा। बोले क्यों, क्या विवाद है? कुछ विवाद कुछ नहीं है। मैंने कोर्ट में खाता कर दिया पहले 5 नवंबर को मेरा इनसे पहले विवाद हुआ था, तो मैंने वो रिपोर्ट इस खाता कर दी थी कोर्ट में, तो उसी के रंजस के पीछे जी मेरे से लड़ रहे हैं और बार बार। हाँ सर, अरे सर इतना मारा कि सब मेरे सर कपड़े फट गए, मेरे जो हाथ भी नहीं उठ रहा श्रीमान जी, मैं इतना परेशान हूँ। अभी दवाई रखी है जी, मैं दवाई खा रहा हूँ। पुलिस ने क्या कार्रवाई की? कुछ कोई कार्रवाई नहीं की किसी ने। पुलिस में भी गया मैं, हरिजन थाने में भी गया, कलेक्टर साहब के पास भी कॉपी दी। ये जबरन क्या ऑफिस में सबसे विवाद? अरे साहब कम से कम 1 साल से इनका विवाद, मतलब किसी ना किसी से बढ़ बैठते हैं जी। मैं सोचता था कि मेरे से नहीं हो गए, लेकिन वो सर एक बात है, मुझे ही उसने मतलब वो बना लिया टारगेट। अब तो मैं इतना परेशान हूँ कि मुझे मतलब एक बात है कि खाना भी नहीं खा रहा हूँ। मैं इतना भयभीत हूँ कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या। और इससे पहले भी किसके साथ विवाद हुआ? पहले अरविंद नायक के साथ में हुआ था, उसके बाद में फिर कहना हमारे रघुवर जी बड़े बाबू हैं उनसे हुआ था, और प्रभात बड़े बाबू जो हमारे अकाउंटेंट हैं उनसे हुआ था, उसके बाद में फिर मेरे पे नंबर आया। सर इतना नहीं है डर कि मैं एक बात है, घर पे जाता हूँ तो सर ये लगता है कि कहीं रास्ता में मिल नहीं जाए।